ये फोन रखा हमारा हमारा तो दिखा दे। बैक टू द चैनल। आज हमारे पास ये स्विफ्ट VDI मॉडल है, ये 2010 मॉडल है ना, ये 2010 मॉडल है। इसमें ब्लैक स्मोक की कंप्लेन थी, तो इसमें क्या कंप्लेन आपको नजर आया ब्लैक स्मोक का, देखा बताइए। इसमें EGR कैसा निकला इसमें देखिए ना। हाँ। ये आपका इजी आ रहा है। हाँ। और जिस कभी किसी मैकेनिक ने किया है टोटल, मतलब जाहिर आपका मैकेनिक है। हाँ। इसमें एक बिल्कुल सिम टाइप की वाशर होती है। हाँ, वाशर मैंने देखी तो है। उसने वाशर गिरने का, उसने यहाँ पे देखी व्हाइट कलर जो दिख रही है एनावन भर दिया है। हाँ। इसके कारण गाड़ी एयर भी लेगी और गाड़ी की जैसा साउंड आने की वैसे साउंड नहीं आएगा। ठीक है। और ये देखिए हमने इतने कम टाइम पे, मतलब समय पे आज चेंज ना करने के कारण ये देखिए टोटल ब्लैक पड़ा है, कार्बनी कार्बन है। ठीक है, इजी। और वो जो अभी आप दिखा रहे थे वो क्या था? देखिए यहाँ। हाँ। कैमरा डालो। हाँ। अरे ये देखिए। हाँ, ये क्या चीज है? हाँ, ये दिखाइए। ये देखिए। हाँ, ये क्या है? ये देखिए, इसको कहते हैं स्टेनर, कहते हैं स्टेनर। हाँ, क्योंकि इनमें टोटल हवा चलती है, वैक्यूम। हाँ। तो समय पे आज चेंज ना होने कारण, समय में फिल्टर वगैरह चेंज ना होने कारण, और भाई इससे क्या पिकअप भी इम्प्रूव होगा, ब्लैक स्मोक खत्म होगा। और इसमें सबसे ज्यादा गाड़ी का ब्लैक स्मोकिंग करती है, काला धुआं वो लिमिट से ज्यादा फेंकता है। हाँ। इसमें गाड़ी में आपका पिकअप नहीं रहेगा, गाड़ी में नॉकिंग ज्यादा रहेगी, इस कारण आपका माइलेज भी घटेगा। ये कैसा, ये क्या है, क्या ये जो काला काला लगा है? ये पूरा आएगा कार्बन है, ये देखिए। तो इसमें साफ करने में कितना समय लग जाएगा अभी अपने को? 2 घंटे का टाइम। और क्या काम करना, और क्या ब्लैक स्मोक कंप्लेन में क्या क्या करते हैं? EGR हो गया, सबसे पहले EGR होता है, EGR कारण अधिकतर यही होता है। और उसके बाद भी अगर कंप्लेंट नहीं आती फिर इनके इंजेक्टर वगैरह सर्विस कराया जाता है। इंजेक्टर कहाँ लगे हुए? ये लगे, ये देखिए, ये 2-3। ये कैसे सर्विस होते हैं? ये खोलने वाले मशीनों से साफ किया जाएगा। अच्छा, तो इसमें कितना टोटल समय लग जाता है? मान के लिए करीब 5-6 घंटे का। क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने को ब्लैक स्मोक EGR से? पिकअप आएगा, पिकअप आएगा आपका। हाँ। माइलेज सही निकलेगा, नॉकिंग खत्म हो जाएगा, गाड़ी का साउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कई चीजें हैं, क्या फायदा, कई चीजों का फायदा होता है। तो EGR डीजल गाड़ी, सारी डीजल गाड़ियों में होता है? सारी डीजल गाड़ियों में। तो कितने हजार पे साफ कराना चाहिए कायदे से? ये तो आपके शहर के प्रदूषण के ऊपर निर्भर करता है, आपको शहर में प्रदूषण कितना क्या है। अंदाजा की जो लिमिट होती है करीबन 40,000 किलोमीटर होती है। 40,000 किलोमीटर जी। ठीक है। और डीजल अगर अपन खराब डीजल डलाते हैं उससे भी फर्क पड़ता है? कारण भी आते हैं उसके कारण, जैसे जो 1-2 रुपए सस्ते के चक्कर में लोग चले जाते हैं डीजल में, उसका क्या कारण क्या होता है? कई लोग चोरी का डीजल खरीदते हैं। हाँ। और डालने का इनका घाटा ये होता है, कम पैसे के चक्कर में उनके इंजेक्टर सब वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वहाँ सोचते हैं बहुत पैसा बच रहा है, लेकिन यहाँ पे उनका लिमिट से ज्यादा पैसा लग जाता है। अच्छा, तो ब्लैक स्मोक का मेन कारण आपका ये EGR रहता है? EGR है हमारा, ये ब्लैक स्मोक का कारण। अभी देखना, जब मैं क्लीन करूंगा पूरे, इसमें पूरे कई छोटे छोटे बड़े बड़े होल होते हैं। हाँ। तो आपको क्लीन बिल्कुल क्लियर साउंड में आएंगे। अभी देखिए आपको कोई होल दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी आप पूरा क्लीन कर देंगे इसको। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू।